बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथ्स पैन में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स, चाहे वो इस टाइप के हों कि इंटरवल्स की फॉर्म में ओपन इंटरवल हों, क्लोज इंटरवल हों, सेमी ओपन इंटरवल्स हों, इनके हम लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स और जो वन ओवर एन सीक्वेंस की टर्म से मिलकर जो सेट बनता है उसकी हम लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी एंड फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। यानी आर के ऊपर जो वेल नोन हमारे पास टोपोलॉजीज हैं उनके अंडर हम इन तमाम सबसेट्स के लिमिट पॉइंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए हमारे पास सबसेट है एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्क्वाड। एक्स एलिमेंट है उस टोपोलॉजिकल स्पेस का। ये एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जनरल एक्स एलिमेंट होता है उस टोपोलॉजिकल स्पेस का। उसको हम लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं? इफ़ एवरी नेबरहुड या ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए इन सम पॉइंट्स अदर देन एक्स। यानी जब इस सेट, इस एलिमेंट एक्स की हर एक नेबरहुड की इंटरसेक्शन हम लें इस सेट ए के साथ, तो उसमें एक्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आने चाहिए। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। एक्स की जो भी डिलीटेड नेबरहुड है उसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें तो वो भी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है डिलीटेड नेबरहुड का? कि कोई ओपन सेट जो इस पॉइंट एक्स को कंटेन करता हो इसे हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर इस नेबरहुड में से एक्स इटसेल्फ, जिस पॉइंट की हमने नेबरहुड ली है उस पॉइंट को निकाल दें तो इसे हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। अगर इस नेबरहुड में से इस एक्स को निकाल दें, यानी किसी नेबरहुड में से उसका सेंटर निकाल दें, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ दें, वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। यानी कि बेसिकली ये भी ऊपर वाली डेफिनेशन ही बनती है कि एक्स अगर किसी ओपन सेट में है किसी नेबरहुड एच में है तो एच की इंटरसेक्शन लें ए के साथ, यानी उस नेबरहुड की जितनी भी नेबरहुड्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लें ए के साथ और उसमें से एक्स को निकाल दें, उनकी इंटरसेक्शन भी अदर देन एक्स आनी चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। एक तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास, इफ एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ ए माइनस एक्स। कि एक्स को किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब उस ए में से इस एक्स को निकाल दें और उसके क्लोजर में एक्स आए। एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ ए माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल एक बार बस इंटरवल है 0, 1, अगर हमने चेक करना कि 0 इस सेट की लिमिट पॉइंट्स में शामिल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में से इस 0 को निकाल देंगे। चूँकि इसमें ऑलरेडी 0 नहीं है तो ए माइनस 0 यही सेट आ जाएगा। अब अगर हम इसका क्लोजर लेते हैं तो हमने पीछे एक लास्ट लेक्चर में, क्लोजर वाले लेक्चर में किया था कि ये 0, 1 क्लोज इंटरवल की स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो सेट ए को कंटेन करते हैं। तो अब चूंकि 0 इसके क्लोजर में आ गया, 0 बिलोंग्स टू ए माइनस 0 क्लोजर, तो इसका मतलब 0 सेट के लिमिट पॉइंट्स में होगा। तो इस तरह हम इस डेफिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट पॉइंट निकालने के लिए। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 0 साइड से ओपन है, 1 साइड से क्लोज्ड है, इन यूजुअल लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यहाँ पे के लिमिट भी लिख लेते हैं एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी नॉर। तो इन डिफरेंट टोपोलॉजीज के अंडर हमने इस सेट के लिमिट पॉइंट्स निकाल लिए। ए इज इक्वल टू 0, 1, ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। और रियल और यूजुअल टोपोलॉजी में सबसे पहले यूजुअल टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास ओपन इंटरवल्स वो ओपन सेट होते हैं, फाई और आर तो सभी टोपोलॉजीज में होंगे और इसके अलावा ओपन इंटरवल्स ये हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। अब हमने चेक करना है कि इस रियल नंबर में से, इस के सेट में से एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के 0 से ओपन और 1 साइड से क्लोज इसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास इस 0 से छोटे होंगे तो पहले उनको चेक कर लेते हैं।
फॉर ऑल एक्स लेस देन ज़ीरो। तो ज़ीरो से छोटे जितने भी नंबर्स हैं तो हम इनके लिए अगर नेबरहुड आर में से ऐसा ओपन सेट डिफाइन कर लें देयर एग्जिस्ट माइनस इन्फिनिट टू ज़ीरो, ये एक ऐसी नेबरहुड है सच दैट इस नेबरहुड की माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो इंटरसेक्शन हम ले लें इस सेट ए के साथ। नेबरहुड हमने डिफाइन की माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो ओपन, यानी कि दोनों नेबरहुड से जो ये नेबरहुड और ये सेट दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं। तो इस नेबरहुड की अगर सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें से जिस एलिमेंट की नेबरहुड हम ले रहे हैं उस एक्स को निकाल दें तो ये हमारे पास एम्प्टी आते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास नेबरहुड्स हैं वो डिसजॉइंट नेबरहुड्स हैं। इसी तरह वन की राइट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये नेबरहुड डिफाइन कर लें जो वन से स्टार्ट हो और इन्फिनिट पे एंड हो जाए। तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, या वाई कर लेते हैं, फॉर ऑल वाई ग्रेटर देन वन देयर एग्जिस्ट, हमारे पास आर में एक ऐसा ओपन सेट मौजूद है वन टू इन्फिनिटी सच दैट, किस तरह का, कि हम इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन लें इस सेट ए के साथ, इस सेट के साथ ज़ीरो से ओपन और वन सेट से क्लोज। तो इसमें से जिस एलिमेंट की नेबरहुड हम ले रहे हैं वाई की उसको निकाल दें, तो चूँकि ये डिसजॉइंट नेबरहुड्स हैं तो वाई को निकाल दें तब भी इंटरसेक्शन दोनों की एम्प्टी आएगी। तो यानी वन की राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड मिलती है जिसकी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें वो एम्प्टी आती है। तो ये मतलब ये तमाम पॉइंट्स इनमें से कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इनको हमने चेक कर लिया, इसके लिए भी हमारे पास नेबरहुड मिलती है माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो और उसकी इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें वो भी एम्प्टी आती है। तो इनमें से इस साइड से और इस साइड से कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं। अब बात करते हैं ज़ीरो की। ज़ीरो को कंटेन करने वाली नेबरहुड, अब नेबरहुड हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं, जो भी नेबरहुड ज़ीरो को कंटेन करेगी वो ज़ीरो की राइट हैंड साइड पे मस्ट है वो जाएगी। ज़ीरो को कंटेन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो जाएगी, ज़ीरो की राइट हैंड साइड पे लाजमी तौर पे जाएगी। लेट्स से ज़ीरो बिलोंग्स टू ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड में ज़ीरो बिलोंग करता है और एप्सिलॉन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। ज़ीरो में पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे उस ज़ीरो की राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। अब ज़ीरो के दरमियान और ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन के दरमियान इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें, ज़ीरो को और ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन को ऐड करें, टू पर डिवाइड करें तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर जो पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट आएगा उस मिड पॉइंट को और इसको ऐड करें, फिर दो पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक और नंबर आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं तो हमारे पास इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इसके अलावा रैशनल नंबर भी मौजूद होंगे। तो ज़ीरो की जो भी नेबरहुड लेंगे उसमें इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, और जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ज़ीरो साइड से ओपन और वन साइड से क्लोज इंटरवल के साथ तो उसमें ज़ीरो के अलावा जो इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर होंगे वो सारे के सारे और साथ इरेशनल नंबर भी वो सारे के सारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ज़ीरो हमारे पास वो होगा लिमिट पॉइंट में से होगा एक। इसी तरह वन की बात करते हैं तो वन को कंटेन करने वाली नेबरहुड वो वन की लेफ्ट पे भी जाएगी और वन की राइट पे भी जाएगी। जैसी जितनी वो वन की लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी वन के दरमियान और जो नंबर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे उसके दरमियान, लेट से मैं चूज़ करूँगा 0.999999 और इधर 1.00001, तो ये वन की हमारे पास नेबरहुड है। अब वन के और 0.9999 के दरमियान इन्फिनिट मैनी और रैशनल नंबर्स भी हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके। हर बार नंबर्स को ऐड करो, टू पे डिवाइड करो तो इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट, फिर जो नंबर बनेंगे उनके दरमियान मिड पॉइंट, फिर उनके दरमियान मिड पॉइंट। तो इस नेबरहुड की इससे छोटी नेबरहुड्स भी हैं, जो भी नेबरहुड लेंगे उसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लेंगे तो उसमें इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स आएंगे। तो वन भी और उसमें से इंटरसेक्शन में अगर वन निकाल दें तब भी इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, तो वन भी लिमिट पॉइंट के सेट में से होगा। इसके अलावा ज़ीरो और वन के दरमियान जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं इनकी नेबरहुड हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो वन, यानी इस सेट के
अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट यही नेबरहुड हमें मिलती है, सच दैट, या इससे छोटी नेबरहुड भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट है, लेट्स से 1/2 है, तो 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन, ये 1/2 की नेबरहुड है। इस नेबरहुड की चूंकि ये सारी की सारी नेबरहुड इस सेट के अंदर ही लाई करती है, तो इसकी इंटरसेक्शन लेंगे 0, 1 इस सेट ए के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी आएगी। तो इसका मतलब इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट जो आएगा वो हमारे पास 0, 1 क्लोज इंटरवल आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमने चेक किया, तो अगर वन साइड से क्लोज भी कर दें तब भी इस सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो 0, 1 क्लोज इंटरवल आएगा। तो 0 भी लिमिट पॉइंट में आता है, 1 भी लिमिट पॉइंट में आता है, और जो इतने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो भी इस सेट के लिमिट पॉइंट में। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इसी सेट के लिमिट पॉइंट्स। तो सेट है हमारे पास इज इक्वल टू 0, 1, वही सेट है, 0 साइड से ओपन है, 1 साइड से क्लोज। तो हमने लिमिट पॉइंट को चेक करना, सेम इन तमाम पॉइंट्स के लिए हम यही नेबरहुड डिफाइन करेंगे माइनस इन्फिनिट से 0 ओपन तक। इस नेबरहुड की सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें उसी पॉइंट को निकाल दें जिसकी हम नेबरहुड ले रहे हैं, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट आएगा। लेट्स से -5 की नेबरहुड है, माइनस इन्फिनिट है 0। इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें और उसमें से 5 को निकाल, -5 को निकाल दें, तो वो हमारे पास एम्प्टी आती है क्योंकि डिसजॉइंट नेबरहुड से दोनों सेट से डिसजॉइंट। इसी तरह राइट हैंड साइड वाले तमाम एलिमेंट के लिए नेबरहुड मिलती है 1 से इन्फिनिट, ये इसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें तो एम्प्टी आती है। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर पॉइंट्स की, तो 0 की नेबरहुड जैसे पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं, 0 की नेबरहुड या तो इस टाइप की होगी, इस टाइप की जितनी भी नेबरहुड्स हैं उसकी इंटरसेक्शन लें सेट के साथ, वो नॉन एम्प्टी आती है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इस टाइप की नेबरहुड बच गई, इस टाइप की नेबरहुड या तो इस तरह की हो सकती है, 0 से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो जाए या इस 1 की राइट हैंड साइड पे एंड हो जाए, तो कहीं पे भी एंड हो जाए 0 to x, ठीक, और x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा किसी भी नंबर पे जाके एंड हो जाए, तो उसकी इंटरसेक्शन इस सेट ए के साथ लेंगे वो भी नॉन एम्प्टी आएगी। जैसे ही 0 से जितना भी बड़ा होगा एलिमेंट, तो वो उनके दरमियान जो एलिमेंट रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं उसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, 0 के अलावा आएगी, तो 0 लिमिट पॉइंट में जाएगा। इसी तरह इंटीरियर पॉइंट्स को चेक कर लें, उनके लिए भी ये इसी टाइप के 2 नेबरहुड्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप की नेबरहुड होगी या तो वो इस तरह की होगी, इसकी इंटरसेक्शन भी सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी, और अगर इस एलिमेंट से स्टार्ट होगी तब भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, क्योंकि जो भी नेबरहुड लेंगे वो इसके अंदर उसका कुछ ना कुछ पार्ट या वो इंटायरली इसके अंदर लाई करेगी या उसका कुछ ना कुछ पार्ट इस सेट के अंदर लाई करेगा। तो इंटीरियर पॉइंट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 ओपन इंटरवल और लिमिट पॉइंट्स। अब बच गया बाकी 1 की हमारे पास ऐसी नेबरहुड मिलती है, 1 से स्टार्ट करें और कहीं पे भी एंड करने जाके इन्फिनिट पे लट से एंड कर देते हैं, तो 1 ये हमारे पास ओपन सेट है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। 1 की ये नेबरहुड है और इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन अगर हम लें, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें और इस इंटरसेक्शन, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन में जस्ट 1 ही कॉमन आ रहा है, चूँकि हम 1 की नेबरहुड ले रहे हैं, 1 को लिमिट पॉइंट चेक करें तो 1 को इसमें से निकाल देंगे, जस्ट इनकी इंटरसेक्शन में 1 नहीं आ रहा है, 1 को निकाल देंगे तो वो इंटरसेक्शन एम्प्टी रह जाएगी। तो इसका मतलब 1 हमारे पास लिमिट पॉइंट में नहीं आएगा। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स आएंगे ए प्राइम इज इक्वल टू 0 आएगा उसमें और 1 साइड से ओपन आएगा। इनडायरेक्ट अगर हमारे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट चेक करने हैं किसी भी इंटरवल के, इस टाइप का इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी क्लोज इंटरवल, इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स होंगे उनके जो लेफ्ट हैंड पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट में आएंगे, इनके जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट से क्लोज्ड आएगा और राइट हैंड पॉइंट से हमेशा ओपन आएगा, क्योंकि राइट हैंड पॉइंट वाले के लिए हमारे पास हमेशा इस टाइप की नेबरहुड्स मिलेंगी जिनके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, तो इनके लिमिट पॉइंट्स आएंगे इस टाइप के
उसके बाद अगर हम अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करें सेट के ऊपर, अपर लिमिट टोपोलॉजी इस टाइप के तमाम इंटरवल्स, तमाम एलिमेंट्स ये लिमिट पॉइंट में नहीं आएंगे, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके लिए हमारे पास ऐसे नेबरहुड मौजूद है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ये भी लिमिट पॉइंट में नहीं आएंगे, इनके लिए भी हमारे पास नेबरहुड्स मौजूद हैं। बाकी बच के जीरो साइड से ओपन और वन साइड से क्लोज, ये वाले यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं बाकी बचे वो वन की नेबरहुड। अब यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं, ज़ीरो की नेबरहुड हम ये ले सकते हैं माइनस इन्फिनेट टू ज़ीरो क्लोज, ये ज़ीरो की नेबरहुड है, ज़ीरो इस नेबरहुड में मौजूद है। अगर हम इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन लेते हैं इस ज़ीरो वन यानी ए सेट के साथ, इस नेबरहुड की सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें, उसमें से इंटरसेक्शन में से अगर हम ज़ीरो को निकाल दें तो क्या बचता है, इसकी इसके साथ इंटरसेक्शन लें उसमें ज़ीरो भी नहीं है तो ये एम्प्टी है, ये ऑलरेडी डिसजॉइंट है, इसमें ज़ीरो शामिल है इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है तो ये डिसजॉइंट है दोनों, ये एम्प्टी आ जाएगी, तो ज़ीरो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट तमाम लिमिट पॉइंट होंगे, ज़ीरो के यहाँ से स्टार्ट कर लें तो या तो इस टाइप की नेबरहुड है, ये तो हमें पता है कि ये लिमिट पॉइंट में देती हैं सारे तमाम के तमाम एलिमेंट्स का, और या इस टाइप के तो ये भी जितने भी वन लेट से वन ओवर टू की नेबरहुड ले रहे हैं तो या तो वो नेबरहुड इस टाइप से होगी, ये इसके अंदर लाए करते तो इसकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी, उसमें से वन ओवर टू निकाल के भी नॉन एम्प्टी, उसके बाद या इस टाइप की होगी पीछे से स्टार्ट हो और वन ओवर टू पे एंड हो जाए, ये नेबरहुड भी इसके अंदर लाई करती है तो इसकी इंटरसेक्शन में वन ओवर टू के अलावा रैशनल और रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, उनकी इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट ए के साथ तो ये वाला वन ओवर टू भी लिमिट पॉइंट होगा, यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स लिमिट पॉइंट में आएंगे। वन को चेक करें, वन की इस टाइप की नेबरहुड को पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, यूजुअल टोपोलॉजी के लिए वन की इस टाइप की नेबरहुड हमें लिमिट पॉइंट वन को बनाती हैं, अगर इस टाइप की नेबरहुड्स भी बनाती हैं, इस टाइप की नेबरहुड कैसी हो सकती हैं, वन को कंटेन करने वाली नेबरहुड इस टाइप की या तो वन की राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो लेट से 0.9999 और वन पे एंड हो जाए, तो इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन भी ले लें सेट ए के साथ तो वो भी, और उसमें से वन को निकाल भी दें, इसमें से अगर हम वन को निकाल भी दें तब भी ये नॉन एम्प्टी, वन की लेफ़्ट साइड पे 0.9999 और वन के दरमियान इन्फिनट मनी रैशनल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं तो ये भी नहीं आएगा। उसके अलावा वन की नेबरहुड अगर हम इस तरह से डिफ़ाइन कर लें कि वो वन की लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो 0.9999 से और वन की राइट हैंड साइड पे चले जाएँ लेट्स से 2 पे चले जाएँ या 1.5 पे चले जाएँ, इस टाइप के नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें, उसमें से वन को भी निकाल लें तब भी वो नॉन एम्प्टी आएगी तो वन भी इसके लिमिट पॉइंट्स में होंगे। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे, सेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे हमारे पास ज़ीरो साइड से ओपन और वन साइड से क्लोज्ड, तो जितने भी इंटरवल्स हैं हमारे पास इस टाइप के उनके लिमिट पॉइंट अगर हमने निकाल लें अपर लिमिट टोपोलॉजी में तो क्या करेंगे, उनको लोअर साइड से ओपन कर देंगे और अपर साइड से क्लोज कर देंगे, लोअर साइड वाला ये जो भी एलिमेंट होगा वो लिमिट पॉइंट बनेगा और अपर साइड वाले एलिमेंट्स लिमिट पॉइंट नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं ए इज इक्वल टू ज़ीरो वन की लिमिट टोपोलॉजी, अगर हम की लिमिट टोपोलॉजी की बात करें उसी सेट के लिमिट पॉइंट्स की लिमिट टोपोलॉजी में बात करें, चूँकि इस फैक्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आर एल, आर के और आर यू ये तीनों की तीनों टोपोलॉजीज फाइनल होती हैं आर से, यानी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से ये तीनों टोपोलॉजीज फाइनल होती हैं, तो जो पॉइंट आर यूजुअल टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट नहीं बना वो पॉइंट लोअर लिमिट के लिमिट और अपर लिमिट टोपोलॉजी में किसी में भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जो नेबरहुड हमें ओपन इस स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में मिल जाएगी किसी एलिमेंट की वही नेबरहुड्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे लोअर लिमिट में भी के लिमिट में भी और अपर लिमिट टोपोलॉजी जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, तो जो एलिमेंट यूजुअल टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा वो लोअर लिमिट के लिमिट और अपर लिमिट टोपोलॉजी इन तीनों टोपोलॉजीज में से किसी एक में भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।
कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसी सेट के हमने लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। सेट है हमारे पास जीरो से ओपन और वन साइड से क्लोज्ड। कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमें पता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आर माइनस फाइनाइट सेट्स, यानी ऐसे सेट्स ओपन हैं जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं, फाई और आर के अलावा ऐसे सेट्स ओपन हैं जिनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं। कम्प्लीमेंट फाइनाइट आने का मतलब ओपन सेट्स ऐसे होंगे आर माइनस फाइनाइट सेट, अगर हम इनके कम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइनाइट सेट आएंगे। तो इसका मतलब ये वाले सेट्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी में या फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन है। अब अगर हम वन की ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे जो भी एलिमेंट है उसकी नेबरहुड डिफाइन करें, लेट्स से माइनस हंड्रेड की नेबरहुड डिफाइन करें, माइनस हंड्रेड बिलोंग करता है आर माइनस एक ऐसा फाइनाइट सेट जिसमें माइनस हंड्रेड नहीं है, तभी तो ये माइनस हंड्रेड की नेबरहुड होगी आर माइनस फाइनाइट सेट, नॉट कंटेनिंग माइनस हंड्रेड। अगर ये फाइनाइट सेट माइनस हंड्रेड को कंटेन नहीं करता तो इसका मतलब आर माइनस फाइनाइट सेट करेंगे तो उसमें माइनस हंड्रेड आएगा, तो ये माइनस हंड्रेड की नेबरहुड है। अब जो फाइनाइट सेट आर में से हमने माइनस करना है, लेट्स से अगर मैं ये नेबरहुड ले लूँ आर माइनस वन टू थ्री अप टू सो ऑन माइनस प्लस हंड्रेड, तो माइनस हंड्रेड इस नेबरहुड में बिलोंग करता है। इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन लें इस सेट ए के साथ, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन लें इस सेट ए के साथ, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आते हैं, इसमें माइनस हंड्रेड के अलावा ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। अब जो भी एलिमेंट है उसकी नेबरहुड में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, लेट्स से मैं एक रियल नंबर, जनरल रियल नंबर एक डिफाइन करता हूँ आर, आर बिलोंग करता है आर माइनस फाइनाइट सेट नॉट कंटेनिंग आर, यानी आर की जो भी नेबरहुड है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, बाकी सारी के सारे रियल लाइन मौजूद हैं, जस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, और जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उनमें से आर, वो आर को कंटेन, स्मॉल आर को कंटेन नहीं करता। अब आर यहाँ से ले रहा हूँ या आर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आर की नेबरहुड सारी रियल लाइन को कंटेन करती है सवाए चांद एक पॉइंट्स के। अब हमने वो देखे उसको डिस्कस करना है, अगर वो चांद एक पॉइंट जो उस नेबरहुड में नहीं है इस सेट के अंदर से, लेट्स से ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जो इस आर की नेबरहुड में नहीं है, आर की नेबरहुड में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, अगर आर की उस नेबरहुड में जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के हैं वो नहीं है, उसकी इंटरसेक्शन अगर हम लें आर बिलोंग्स टू एच, वो नेबरहुड जिसमें ये वाले पॉइंट नहीं है, उसकी अगर हम इंटरसेक्शन लें, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन लें इस ज़ीरो वन सेट के साथ, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, यानी कि जो एलिमेंट नेबरहुड में मौजूद नहीं है वो यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं या यहाँ से हो सकते हैं। अगर यहाँ से होंगे जो मिसिंग एलिमेंट है जो इस नेबरहुड में नहीं है, तब भी इंटरसेक्शन उस नेबरहुड की सेट के साथ लेंगे तो वो सारा का सारा सेट आ जाएगा दोबारा। अगर वो एलिमेंट जो कि इस नेबरहुड में नहीं है यहाँ से होंगे, तब भी इंटरसेक्शन लेंगे, चूँकि इस सेट में इन्फिनिट अनकाउंटेबली इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स हैं, तब भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। और अगर वो मिसिंग एलिमेंट जो आर की नेबरहुड में नहीं है यहाँ से लेंगे तब भी इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन सेट के साथ लेंगे, वो नॉन एम्प्टी है। यानी कि जो भी रियल नंबर उठा के हम यहाँ से उठा लें उसकी नेबरहुड में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते पास। आज जो नेबरहुड में एलिमेंट नहीं है वो यहाँ से हो सकते हैं। अगर यहाँ से होंगे तब भी इंटरसेक्शन इस सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी, यहाँ से होंगे तब भी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो एलिमेंट्स इसी के अंदर, यानी आर की नेबरहुड में ऐसी ले लूँ जिसमें जो एलिमेंट है वो इसी के अंदर, लेट्स से वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर अप टू सो ऑन,
कि ये मैंने ऐसी नेबरहुड ले ली, ये फाइनाइट है तो ये वन ओवर एन पे जाके एंड भी करनी है हमने। ये आर की हमने मैंने ऐसी नेबरहुड ले ली जिसके एलिमेंट इस सेट के अंदर से आ रहे हैं। अब इस नेबरहुड के इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें वो भी नॉन एम्प्टी, उसमें इन्फिनिट मनी रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, यानी कि इस सेट के लिमिट पॉइंट्स आएंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर होल रियल लाइन आएगी, कि कोई भी नंबर, हर एक रियल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी हर रियल नंबर की जो नेबरहुड है यानी ओपन सेट है या उसकी इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन, वो नॉन एम्प्टी आ रही है, उस एलिमेंट के अलावा भी उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, सेट ऑफ इंटीजर के लिमिट पॉइंट क्या होंगे। यूजुअल टोपोलॉजी में लोअर लिमिट, के लिमिट, अपर लिमिट एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिमिट पॉइंट निकालते हैं। पहले बात करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी की। यूजुअल टोपोलॉजी में अगर हम जीरो की नेबरहुड ये डिफाइन करें, जीरो बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, जीरो इस नेबरहुड में बिलोंग करते हैं, लेकिन इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन लें सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ और उसमें से जिसकी हमने नेबरहुड ली यानी कि जीरो को निकाल दें, तो ये हमारे पास एम्प्टी होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में तो माइनस वन भी शामिल नहीं, यहाँ पे वन भी शामिल नहीं है और सिर्फ ज़ीरो ही है। तो जब इस सिर्फ ज़ीरो की यानी कि सेट में सिर्फ ज़ीरो ही है, इसकी इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लेंगे तो वो सिंगलटन ज़ीरो ही आएगा, इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा ज़ीरो इटसेल्फ। लेकिन उसमें से अगर हम ज़ीरो भी निकाल दें यानी कि एलिमेंट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो वो एम्प्टी आएगी, यानी हर एलिमेंट के लिए एन बिलोंग्स टू एन माइनस वन से एन प्लस वन, जो भी एलिमेंट है वो इस नेबरहुड में बिलोंग करता है, ज़ीरो बिलोंग करता है, ज़ीरो बिलोंग्स टू ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन, यानी कि ज़ीरो बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, हर एलिमेंट इंटीजर इस नेबरहुड में बिलोंग करता है। और इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लें और उसमें से एन को निकाल लें, वो एम्प्टी आती है, तो इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर्स के यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर लिमिट पॉइंट वो सेट एम्प्टी सेट आता है। चूँकि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ये कोर्सर है लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, अपर लिमिट टोपोलॉजी से, के लिमिट टोपोलॉजी से, तो इन तमाम टोपोलॉजीज में भी यही नेबरहुड एग्जिस्ट करती हैं और इन तमाम इन नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लें और उसमें से एन को निकाल लें तो वो एम्प्टी आती है। तो इन तमाम टोपोलॉजीज के अंडर भी लिमिट पॉइंट इंटीजर्स के वो एम्प्टी सेट आता है। अब बात करते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो भी नेबरहुड है उसमें आर में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं मौजूद होते, यानी कि आर माइनस फाइनाइट सेट, इस टाइप के सेट्स ओपन होते हैं हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यानी कि सारी रियल लाइन है सिवाय चंद एक एलिमेंट्स के। अब किसी भी एलिमेंट की, लेट से मैं माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान माइनस टू पॉइंट फाइव, माइनस टू पॉइंट फाइव है, इसकी नेबरहुड डिफाइन करूँ कोफाइनाइट टोपोलॉजी में तो वो आएगी आर माइनस फाइनाइट सेट, लेकिन ये नेबरहुड को माइनस टू पॉइंट फाइव को कंटेन करना लाजमी है, तभी ये नेबरहुड कहलाएगी। अब इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लें तो क्या आएगा, इसमें तो जस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर तो इटसेल्फ इनफाइनाइट सेट है, तो इस इनफाइनाइट सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, ये भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये इसमें पूरी रियल लाइन शामिल सवाए चांद एक एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन लें ये हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी, इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, इसमें जस्ट फाइनाइट एलिमेंट नहीं है पूरी रियल लाइन में से, तो बाकी के जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, इसका मतलब माइनस टू पॉइंट फाइव ये लिमिट पॉइंट हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स का। इसी तरह बाकी तमाम रियल नंबर्स को चेक कर सकते हैं अदर देन इंटीजर्स, वो भी इस सेट की लिमिट पॉइंट में आएंगे। अगर हम इंटीजर्स को चेक करें, किसी भी इंटीजर को, दैट्स एन बिलोंग्स टू जी, किसी भी इंटीजर को चेक करें तो इस इंटीजर की नेबरहुड लेंगे वो भी आर माइनस फाइनाइट सेट आएगा, यानी सारी रियल लाइन आएगी सिवाय चंद एक एलिमेंट के, वो इंटीजर भी हो सकते हैं वो नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं। नॉन इंटीजर होंगे वेल एंड गुड, तब भी इंटरसेक्शन इस सेट की जी के साथ लें, उसमें सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। और अगर आर में से जो फाइनाइट सेट माइनस करना है वो इस इंटीजर के एलिमेंट हैं, तब भी इसकी जी के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आएगी। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जी अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी
वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारी की सारी रियल लाइन आ रही है कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, सिवाय फाइनाइट सेट्स के। फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट जो आते हैं वो हमारे पास एम्प्टी आता है, बाकी जितने भी इन्फिनिट सेट हैं, काउंटेबली इन्फिनिट है या अनकाउंटेबली इन्फिनिट है, उनके लिमिट पॉइंट सारी की सारी रियल लाइन बनती हैं, तो यही याद रखना। उसके बाद लिमिट पॉइंट है वन ओवर एन सीक्वेंस की टर्म से जो बनते हैं वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर, अप टू सॉ, इसके लिमिट पॉइंट। यूजुअल टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो जब हमने इस सेट सब स्पेस टोपोलॉजी इस पर डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि इसके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी वो डिस्क्रीट बनती और हमने हर एक एलिमेंट की अलग अलग नेबरहुड भी डिफाइन की थी, वन की नेबरहुड, वन ओवर टू की नेबरहुड, वन ओवर थ्री की नेबरहुड, यानी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इनकी नेबरहुड्स निकाले थे, यानी एक जनरल फार्मूला बनाया था। तो यूजुअल टोपोलॉजी में वन की ये नेबरहुड ले लें, इस नेबरहुड की सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, वन के अलावा उसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो वन लिमिट पॉइंट नहीं होगा। वन के अलावा वन की राइट हैंड साइड पर कोई भी एलिमेंट लें उसकी नेबरहुड वन से पीछे पीछे डिफाइन कर लें, उस नेबरहुड की सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं आएंगे। वन और वन ओवर टू के दरमियान वाले एलिमेंट कोई भी ले लें, यहाँ पे ले लें, इनके दरमियान ले लें, इनके दरमियान ले लें, तो इनकी नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट वन और वन ओवर टू के दरमियान होगा उसके लिए हम नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं, यही वन ओवर टू से वन के इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सारे सेट के साथ लें, वन वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर के साथ लें तो वो एम्प्टी आते हैं, तो ये एलिमेंट भी नहीं आएंगे। इसी तरह वन ओवर टू भी नहीं आएगा, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर, अप टू सेवन कोई भी नहीं आएगा। अब ये सीक्वेंस हमारे पास, हमें पता है कॉशी सीक्वेंस है और ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, ज़ीरो इनफैक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है लेकिन ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, और ज़ीरो की कोई भी नेबरहुड ले लें, ज़ीरो बिलोंग्स टू माइनस वन ओवर एन टू वन ओवर एन एंड एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो की कोई भी नेबरहुड ले लें, लेट से मैं n डिफाइन कर दूं, n इज इक्वल टू 1 लैख, ज़ीरो बिलोंग्स टू माइनस वन ओवर 1 लैख, वन ओवर 1 लैख, इससे छोटी नेबरहुड्स भी हैं, वन ओवर 10 लैख, वन ओवर 1 करोड़, तो जितनी भी नेबरहुड्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लें तो ज़ीरो और ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर जो भी एलिमेंट हैं हमें नंबर डिफाइन करेंगे उनके दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स ऐसे मौजूद हैं जो इस सेट के हैं। वन ओवर 1 लैख अगर कर लें तो वन ओवर 1 लैख 1, ज़ीरो इसके दरमियान, वन ओवर 1 लैख 2, वन ओवर 1 लैख 3, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। तो जो भी नेबरहुड हम डिफाइन कर लें इस साइड पे, हम जो भी एलिमेंट ले लें जितना ही चाहे एन को कितना ही लार्ज कर दें, इसके दरमियान और ज़ीरो के दरमियान हमेशा एक ऐसा हमें नीचे इंटीजर मिल जाएगा इससे बड़ा जो कि ज़ीरो और वन ओवर एन के दरमियान एलिमेंट ले आएगा। तो ज़ीरो की कोई भी नेबरहुड ले लें उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ अदर देन ज़ीरो वो नॉन एम्प्टी आती है, तो जस्ट इस सेट का लिमिट पॉइंट है वो ज़ीरो, के प्राइम इज इक्वल टू ओनली ज़ीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट। अब बात करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रियल लाइन अगर हम बनाएं तो ये मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है पी, और पी कहाँ से क्यों बस ये रैशनल नंबर हमारे पास, इसकी यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी नेबरहुड हम डिफाइन करें, एक नेबरहुड मैं डिफाइन करता हूँ पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन का बहुत छोटा भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन का बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा करेंगे तो नेबरहुड बड़ी हो जाएगी, पी को बहुत छोटा करेंगे तो नेबरहुड स्मॉल होते जाएंगे। जितनी भी नेबरहुड हो पी माइनस एप्सिलॉन उस पी और पी प्लस एप्सिलॉन इन दोनों के दरमियान पी लाई करेगा, पी को ये कंटेन करती है, पी और पी प्लस एप्सिलॉन के दरमियान इन्फिनिट मैनी रैशनल और इरेशनल, ये डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स भी बोलती है और डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स दोनों से हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो इन दोनों को ऐड करो, टू पे डिवाइड करो, पी यहाँ का पी प्लस एप्सिलॉन इन दोनों को ऐड करो, टू पे डिवाइड करो, इनका मिड पॉइंट आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, टू पे डिवाइड, इनका मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करो, टू पे डिवाइड, इनका मिड पॉइंट, इसी तरह बार बार इन एलिमेंट्स के मिड पॉइंट निकालते जाएंगे तो इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। तो हर नेबरहुड में रैशनल भी हैं इरेशनल भी हैं, तो पी की कोई भी नेबरहुड उसकी इंटरसेक्शन हम क्यू के साथ लें और उसमें से पी को निकाल दें वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी,
क्योंकि इसमें इन्फिनिट मनी रैशनल और इरेशनल भी हैं, और रैशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी रैशनल नंबर है उसकी नेबरहुड की इंटरसेक्शन क्यू के साथ नॉन एम्प्टी, तो रैशनल नंबर लिमिट पॉइंट में जाएगा। इसका मतलब तमाम रैशनल नंबर तो लिमिट पॉइंट हो गए। अब अगर ये रैशनल नंबर की बात करें, लेट से मेरे पास पी प्राइम है, ये पी प्राइम क्या है क्यू प्राइम में से, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में से। लिमिट पॉइंट हम क्यू की चेक नहीं करते, सेट ऑफ रियल नंबर जो सबसेट होता है, जिसका ये सबसेट होता है उसकी एलिमेंट लेते हैं। डेफिनेशन भी ये, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिमिट पॉइंट को हमने पहले रैशनल नंबर चेक कर लिया, बाकी बचे इरेशनल। इरेशनल नंबर की भी कोई भी नेबरहुड लें उसमें इन्फिनिट मनी रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ और उसमें से पी प्राइम को निकाल देंगे, तब भी इसकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी है कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो इसके अंदर मौजूद होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो क्यू के लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। और यहाँ पे अगर हम एक डेफिनेशन इस्तेमाल करें डेंस सेट की, तो ऐसा सेट जिसका क्लोजर ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स देन ए इज डेंस इन एक्स। तो ऐसे सबसेट जिनका क्लोजर उसी सेट के जो लार्जर स्पेसेस के बराबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं वो सेट डेंस है। अगर हम क्यू को देख लें, क्यू एज अ सबस्पेस ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, तो क्लोजर हम इस तरह डिफाइन करते हैं किसी भी सेट का क्लोजर बराबर वो सेट यूनियन उस सेट के लिमिट पॉइंट। तो क्यू यूनियन क्यू के लिमिट पॉइंट आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, क्यू का क्लोजर आर आ गया, इसका मतलब क्यू डेंस है आर में। इसके बाद ए इज इक्वल टू कोई भी इंटरवल, ए बी इंटरवल इस टाइप का ले लें, इस टाइप का इंटरवल ले लें, दोनों साइडों से क्लोज ले लें और लोअर साइड जो अपना अपर साइड क्लोज, इस टाइप का कोई भी इंटरवल ले लें, इन तमाम के लिमिट पॉइंट्स हमारे पास जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इसमें सारी की सारी रियल लाइन आती है। ए प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम इज इक्वल टू सी प्राइम इज इक्वल टू डी प्राइम इज इक्वल टू आर अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो इस टाइप के तमाम इंटरवल्स ये आर में डेंस होते हैं और सारे के सारे इन्फिनिट सेट्स वो सेट की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में, वो सारे के सारे आर में डेंस होते हैं अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। लिमिट पॉइंट हमने क्यू के निकाले यूजुअल टोपोलॉजी में। इसी तरह अगर हम आर एल में बात करें, आर के में बात करें और आर यू लोअर लिमिट अपर लिमिट और के लिमिट टोपोलॉजी में बात करें, तो यही नेबरहुड्स, तो इन टोपोलॉजीज के अंडर भी क्यू के जो लिमिट पॉइंट का सेट आता है वो सेट ऑफ रियल नंबर आता है। अगर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ही आता है क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।